सही प्यारे दोस्तों को दिल से स्वागत करते हैं। आज हमारा चैप्टर है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, भाग वन, जिसमें हम लोग नाव धारा के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में ये चीज़ें दिए रहता है, जैसे धारा की चाल, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो हम जानते हैं, जैसे, या हम मान लेते हैं धारा की चाल एक्स, नाव की चाल वाई, और हम लोग निकालेंगे अभी धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल एक्स धारा की चाल है, और सी दिशा में नाव जा रही है, मतलब एक्स प्लस वाई। क्यों? इधर आप समझिए यहाँ फिगर से कि ये एक नाव है और ये धारा की चाल है। तो नाव धारा की चाल इसी साइड में बह रही है, तो धारा की चाल एक्स है और नाव की चाल वाई है। तो अगर धारा की ही दिशा में नाव चलती जाएगी तो हम जानते हैं कि, या हम समझ रहे हैं कि साथ, ये दोनों साथ में जा रहा है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसीलिए धारा की दिशा में नाव की चाल एक्स प्लस वाई, क्योंकि इस फिगर से हमको पता चल रहा कि धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी तो उसका वेग बढ़ेगा, तो इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे तो नाव का चाल पता चल जाएगा धारा की दिशा में क्या है। इसीलिए धारा की दिशा में नाव की चाल निकालनी थी, इसीलिए एक्स प्लस वाई। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, अगर मान लीजिए धारा की विपरीत दिशा में नाव चलेगा, अगर धारा इधर बह रही है और नाव इस दिशा में चलता, अगर इस दिशा में नाव चलता तो क्या होता है, ये धारा इधर बह रही है और नाव इस साइड में चलेगा, तो धारा की विपरीत दिशा में चल रहा नाव, मतलब धारा या नाव को चाल को रोक रहा है। तो अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो उसका चाल घटेगा, इसीलिए धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल एक्स माइनस वाई। ये हम लोग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि नाव धारा, जो इसका चैप्टर का क्वेश्चन रहता है, वो किस तरीके से सॉल्व होता है। और आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। जो स्टूडेंट बेसिक नॉलेज को क्लियर करना चाहते हैं नाव धारा या फिर किसी भी चैप्टर का, वो मेरे चैनल पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको हर तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।